धार जिले के पुलिस विभाग के द्वारा कुक्षी में साइबर क्राइम ब्रांच धार और कुक्षी पुलिस ने आईपीएल में लगाने वाले सट्टे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस की टीम ने देर रात्रि एक रहवासी के मकान में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस को आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और हजारों की नकदी सहित एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया है। देखिए ये रिपोर्ट। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को लंबे समय से जिले में चल रहे क्रिकेट सट्टों की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार और उप पुलिस अधीक्षक नीलेश्वरी डावर और थाना प्रभारियों के साथ साइबर क्राइम ब्रांच प्रभारी दिनेश शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर उचित कार्यवाही हेतु लगाया गया था, जहां धार साइबर क्राइम ब्रांच प्रभारी दिनेश शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुक्षी के सुसारी में एक रहवासी मकान में आईपीएल के मैचों पर सट्टा लिया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और कुक्षी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुसारी के एक मकान से दिनेश नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस को मकान से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल, 20,000 रुपए और एक कार जब्त की है। सूचना मिलते ही हमारी पूरी पुलिस टीम कुक्षी पुलिस के सहयोग से वहाँ मुड़ दबिश किया। दबिश में दिनेश नाम का व्यक्ति आईपीएल का सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से करीब कैश 20,000 रुपये, लैपटॉप, पेन ड्राइव, 12 मोबाइल, करीब कई लाखों के हिसाब किताब और डिजिटल गैजेट्स बहुत सारे जब्त हुए। इस प्रकार आईपीएल का सट्टा लगाते हुए रंगों हाथ पुलिस ने पकड़ा है और इसके पूरे डिजिटल जो जब्त हुए हैं इक्विपमेंट्स सबका हम लोग खंगाल रहे हैं। साइबर टीम हमारी उसकी पूरी एनालिसिस कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आईपीएल में सट्टा लगाने वालों का एक अच्छा गेम प्रेस होगा, इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, इसके अलावा देखा जा रहा आईपीएल को लेकर कि कई जो बड़े सटोरी हैं जो की वो जिले से बाहर रह के और अपना पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे हैं, क्या उस दिशा में पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए जो वर्चुअल लाइफ में आदमी कहीं बैठ करके कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। आपको शुरू में बताया मैं कि इसीलिए जितने गैजेट्स इसके मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, उसका हम लोगों ने साइबर एनालिसिस करेंगे। अगर कहीं कोई इस तरह का कनेक्शन आता है, चाहे वो देश में कहीं भी बैठा हो, एविडेंस मिलता है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, धमनोद में सर आपको लेकर बड़ी कार्रवाई? हाँ, पिछले दिनों हम लोगों ने गुंडे और जो माफिया लोग हैं उनके खिलाफ ड्राइव चलाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में धामनोद थाने के बूटी नाला के पास सूचना मिली थी कि वहाँ महुए के लाहन के माध्यम से अवैध कच्ची सड़क बनाई जा रही है। वहीं पुलिस को मिली लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर भी मिला है, जिसमें लाखों का मैचों का हिसाब मिला है, जहां पुलिस ने आरोपी दिनेश पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी दिनेश को पूर्व में भी राजगढ़ पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। साइबर पुलिस आरोपी से जब्त मोबाइल की भी जांच कर रही है, जिसमें कई सटोरियों के नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़ धार।